हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर से हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है हरेला, तो हमारे पहाड़ों में हरेला कैसे मनाया जाता है ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और हरेले की आपको बहुत बहुत बधाई। जी रया, जग रया, यो दिन यो बार भेटने रया, ऐसा हमारे कुमाऊँ की बुजुर्ग महिलाएँ हरेला चढ़ाते समय ये आशीर्वाद देती हैं। तो आइए, चलिए, बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में, आइए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले अब बनाऊंगी प्रसादी। परसों की वीडियो में, पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिंगल पोहे बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी हरेला है, तो आज घर में प्रसादी बनेगी, उसके बाद हरेला कटेगा। तो देखिए, मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों को बता रही हूँ। ये है आटा, ये है सूजी, और थोड़ा सा हमने इसमें मिला लिया है गेहूं का आटा, और ये है घी, एक चम्मच हम इसमें मिला लेंगे घर का शुद्ध घी। इसके बाद हम इसको पूरा मसल के पूरा मिला लेंगे। घी को अपने हिसाब से डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो सिंगल पोहे अच्छे से नहीं बनेंगे, वो सारे बिखर के फैल जाएंगे तेल में। तो इतना हमने इसमें घी डालना है और इसको अच्छे से मिला लेना है ऐसे। दोस्तों, ये इस सूजी को हमने अच्छे से घी में मसल के एक भगोनी में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये दूध। देखिए, और अब हम इसको अच्छे से मिला, तो इसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा दही। दही और दूध हिसाब से मिलाना है, नहीं तो ये सब कुछ फैल जाता है। ये हमने मिला लिया है दही, और अब हम इसको अच्छे से 2 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है और मेरी ये सूजी अच्छे से भीग चुकी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रसादी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी गणेश जी की मोदक, उसके बाद बनाऊंगी सिंगल, और फिर बनाऊंगी पोहे। आप देखते रहिए वीडियो को। कि दोस्तों, ये मोदक बन चुके हैं, अब मैं बनाऊंगी सिंगल। दोस्तों, ये सिंगल बन रहे हैं। इनको बनाते समय गैस को हल्की आंच पर ही रखना पड़ता है, नहीं तो अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब मेरी परसादी बन के तैयार है। सिंगल पोहे बना लिए मैंने। अब मेरे हस्बैंड अपने गांव के, हमारे गांव के इष्ट देवता और ग्राम देवता जी के मंदिर में हरेला चढ़ाने के लिए जाएंगे। मैं भी जा रही हूँ, आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा हरेला। अभी मैं प्रसादी बनाऊंगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड काटेंगे हरेले को। तो आप कमेंट करके बताना कि हरेला हमारा कैसा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, पहुंच चुकी हूँ मैं अपने ग्राम देवता सुमल जी के मंदिर के गेट पर। अपने इष्टदेव निर्मल जी के मंदिर में भी जाएंगे। मेरे हस्बैंड थोड़ा पहले आ गए थे, उनको अभी मार्केट भी जाना होता है। मार्केट में हमारी मेडिकल शॉप है, मेडिकल स्टोर, तो जल्दी पूजा करके फिर हम मार्केट को जाएंगे, इससे वो फटाफट आ गए थे। मैं भी आ रही हूँ, आप भी बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं। Yeah, this is
लगे हैं घर को। उसके बाद एक नीचे और मंदिर है हमारा, वहाँ भी जाना है हमको। तो अब सब पूजा करके ये लोग चले गए, मैं भी जा रही हूँ पीछे से, आप लोग बने रहिए, अभी और मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को रेला चढ़ा रही है, देखिए। अब ये मेरे बेटे के सिर में चढ़ा रही है दादी उसकी करेला, देखिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों, अब मेरे हस्बैंड दही और पूरे खाएंगे, उसके बाद मैंने उनके लिए बनाई राजमा चावल। ये देखिए जल्दी जल्दी में बनाई है, फिर ये खाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे मार्केट को। आप लोग बने रहिए वीडियो में, अभी मैं और भी आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने नीचे के मंदिर में, चौड़ा गुरु जी के मंदिर में और अम्मा के मंदिर, दो मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ की पूजा मेरा बेटा कर रहा है, उसका हमने जनेऊ कर रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मार्केट जाने के लिए लेट हो रहा था, वो चले गए। तो ये मेरा बेटा, ये यहाँ की पूजा करेगा, आप अच्छे से करना। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।